हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 में चैप्टर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के सपोर्ट मटेरियल। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमें दे रखा है, इन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। बताओ ए बी की वैल्यू क्या होगी, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो इसे फाइंड करने के लिए देखो, इसके नीचे कौन है, बी सी। ये जो अगर कंप्लीट ट्रायंगल की बात की जाए ए डी सी की, तो इसके अंदर ए बी और बी सी दोनों आती है। तो अगर हमें ए बी फाइंड करना है तो बी सी को भी फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक बी सी नहीं होगी हम ए बी को फाइंड नहीं कर सकते। तो इसे मैंने मान लिया एक्स और इसे मैंने मान लिया वाई। अगर मैं टोटल हाइट की बात करूँ तो टोटल हाइट क्या हो जाएगी, एक्स प्लस में वाई मीटर। ठीक है, तो हमें कुल मिला के वाई को फाइंड करना है, लेकिन वाई को फाइंड करने के लिए हमें एक्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने मान लिया लेट जो बी सी है मेरा वो एक्स मीटर मान लिया मैंने, एंड लेट ए बी उसे मैंने मान लिया वाई मीटर। तो मेरा जो ए सी होगा टोटल वो हो जाएगा एक्स प्लस वाई मीटर। और हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो सी डी है वो है 1000 मीटर। इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने का तरीका सिंपल सा है। इसमें दो ट्रायंगल दिखाई देंगे आपको, ट्रायंगल नंबर 1 बी सी डी छोटे वाला ट्रायंगल और एक कंप्लीट ट्रायंगल। आपको दोनों ट्रायंगल को लेना है अलग अलग। ठीक, पहले मैं छोटे वाले ट्रायंगल को ले लेता हूँ। ये हो गया मेरा बी सी और डी। ये एक्स है, ये 1000 मीटर और इसका एंगल है 45 डिग्री का। दूसरा बड़े वाला ट्रायंगल है, ये है ए सी डी। ये हमें दे रखा 1000 मीटर, ये दे रखा टोटल जो ए सी है वो कितनी, एक्स प्लस वाई मीटर। ये मेरा एंगल है 60 डिग्री का। क्लियर है, हमें ये ध्यान देना पहले सॉल्व करना छोटे वाले ट्रायंगल को, फिर सॉल्व करना बड़े वाले ट्रायंगल को। सॉल्व कैसे करना है, हमें दो चीज़ों पे फोकस करना है, क्या गिवन और क्या निकालना, बस ये दो चीज़ ही लेनी है, तीसरी चीज़ को हमें नहीं देखना। तो पहले मैंने छोटे वाले ट्रायंगल को लिया बी डी सी, ये निकालना है, ये गिवन है। ठीक है, इन दोनों का रिलेशन ही लेना है। तो मैंने ले लिया बी सी अपॉन में सी डी। तो बी सी मेरा कौन है, परपेंडिकुलर, एंड सी डी कौन है मेरा बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ये होता है 10, साथ में आता है थीटा। थीटा यहाँ पे जो एंगल होगा वो इसका थीटा होगा, यानी 45 डिग्री। बी सी जो कि एक्स है, सी डी 1000 है। फिर 10 45 की वैल्यू क्या होती है, तो इसके लिए हमें हेल्प लेंगे ट्रिग्नोमेट्री टेबल की। इस टेबल को मैंने कैसे बनाया है, इसके लिए पर मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको देख लेना ताकि आपको समझ में आ जाए। तो 10 45 की वैल्यू कितनी हमारी, 1, यहाँ रख दिया मैंने 1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एक्स की वैल्यू आ गई 1000 मीटर। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। अब चलते हैं दूसरे वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए डी सी, वही सेम, दो चीज़ों पे देखना है, क्या गिवन है क्या निकालना है। निकालना में कौन है, ए सी और सी डी। सी डी हमारा गिवन पार्ट हो गया, तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, परपेंडिकुलर में बेस कौन होता है, 10 थीटा। थीटा जो एंगल होता है यहाँ पे 60 डिग्री। ए सी एक्स प्लस वाई, सी डी 1000। अब 1060 की वैल्यू क्या होती है, 1060 डिग्री की वैल्यू अंडर रूट 3। अब हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स प्लस वाई को 1 से किया, सेम ही आ जाएगा, ये हो गया 1000 अंडर रूट 3। तो जैसे मैंने आपको बताया था हमें 5 फाइंड करना है, लेकिन एक्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो अब एक्स की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि एक्स की वैल्यू कितनी है, 1000। तो यहाँ लिखा मैंने यूजिंग 1, एक्स की जगह लिखा 1000 प्लस वाई 1000 अंडर रूट एक्स। प्लस का है उधर एक्स को आ जाएगा, माइनस का 1000 अंडर रूट 3 माइनस का 1000। दोनों में देखो 1000 है, कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने का मतलब इसमें भी 1000 का डिवाइड देना, इसमें भी 1000 का डिवाइड देना है। 1000 का डिवाइड दिया अंडर रूट 3 आया, 1000 में 1000 का डिवाइड देंगे 1 आएगा। तो यानी कि जो वाई है मेरी, यानी कि ए बी कितनी होगी, 1000 ब्रैकेट अंडर रूट 3 माइनस का 1 मीटर, ये इसकी वैल्यू होगी ए बी की। और इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, ओके, बाय बाय, थैंक यू।